हेलो गाइस, मैं खुशी रो आपका स्वागत करती हूँ अखबार बाने गॉसिप में। क्या अक्षरा के जाने के बाद दिखावा कर रही थी दिव्या अग्रवाल? आखिरकार ये बात क्या है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सोशल मीडिया पे लोग इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दिव्या अग्रवाल अपने आप को काफी ज्यादा खास दोस्त जो है वो अक्षरा सिंह का बताती थी और मिलन गाबा का बताती थी और वो उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करती थी। हालांकि उन्होंने संडे के बारे में ये भी बात बोली कि भाई मेरा इस वक्त जो बेस्ट फ्रेंड है वो निशांती है, पर निशांत की कनेक्शन मुस्कान जिटाना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। हालांकि जैसे ही मिलन गाबा के बारे में दिव्या अग्रवाल को पता चला तब दिव्या अग्रवाल काफी ज्यादा हैरान हो गई, और उसी दौरान ही जब अक्षरा सिंह के बारे में उनको डबल एविक्शन के बारे में पता चला तब वो और भी ज्यादा हैरान हो गई और उसके बाद इनको गले लग के फूट फूट के रोई। और एक्चुअली में उनकी आंखों से वो दर्द महसूस हो रहा था, झलक रहा था। पर जैसे ही वो मुख्य द्वार से बाहर गए वैसे ही एक गाना बजा, क्योंकि रुबीना और निकी तमोली घर के अंदर आने वाले थे, और वो जम के डांस करती हुई मुस्कान और निशांत के साथ नजर आई। उनके चेहरे पे जरा सा भी वो दुख दिखाई नहीं दिया। क्या ये दिखावा था दिव्या अग्रवाल का? दिव्या अग्रवाल को हम भी समझ नहीं पा रहे हैं, वो एक्चुअली में दो चेहरे लेके घर के अंदर चल रही है। सीरियसली अगर मैं बताऊं तो दिव्या अग्रवाल अच्छी गेम खेल रही है या नहीं खेल रही है इसके बारे में कोई भी हिंट भी नहीं मिल पा रहा है, और उनके दो चेहरे मुझे देखने के लिए मिलते हैं हर वक्त। और अगर ऐसा दो चेहरे बिग बॉस के घर में हो तो ज्यादातर लोग उस करेक्टर को, उस पर्सनैलिटी को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा मैंने हमेशा देखा है जब तक मैंने बिग बॉस को रिव्यू किया है। पर्सनैलिटी को उसी को पसंद किया जाता है जो अपनी बातों पर स्टैंड करता है और अपने दोस्तों के साथ स्टैंड करता है। बार बार अगर पलटी मारी जाती है तो उसके साथ स्टैंड नहीं किया जाता है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।